और ये देखिए ये रंगोली और ये दिया का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैं भी एक चक्री लगाने वाला हूँ अभी अभी स्काई लैंटर्न जलाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज है दिवाली और भुवनेश्वर शहर पूरा लाइट से सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आज तो बाहर गया नहीं था लेकिन कल गया था और बहुत ही खूबसूरत व्यू है पूरा सिटी का। तो हमने घर भी सजा रखा है और अभी भी डेकोरेशन चल रहा है। दिया हम सजा रहे हैं बालकनी में और बाकी सारे जगह में, और उसके बाद हम पटाखे जलाने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मम्मी यहाँ पे सारे दिया रेडी कर रही हैं, इनको हम सजाएंगे बालकनी में सेकंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में। और यहाँ पे सस्मिता रंगोली बना रही है। हाय, दिवाली टू ऑल। हाँ, और ये रंगोली कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगा। और यहाँ पे बादल भी दिया जला रहा है हमारे दुकान के सामने। यहाँ बालकनी में हमारा रंगोली रेडी है, देखिए। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर में दिया एकदम रेडी है। और मैं भी तैयार हो चुका हूँ कुर्ता पहन के दिवाली मनाने के लिए। और अभी बाहर सेकंड फ्लोर में मम्मी दिया जला रही है, चलो देखते हैं। मम्मी दिया रेडी कर रही है यहाँ पे, पूरा रेडी हो जाने के बाद आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे भी सस्मिता ने रंगोली बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एंट्रेंस के पास। और अभी राइट साइड वाला कर रही है, रेडी होने के बाद आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू। और ये सेकंड फ्लोर का बालकनी में भी दिया लग चुका है। और सारे बिल्डिंग्स बहुत ही मतलब डेकोरेटेड है अभी लाइट से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए दोनों साइड का रंगोली रेडी है, पास से दिखाता हूँ आपको। और ये एक चार मुखी दिया हम लाए थे एक मेला से, इसको लाइट करेगी सस्मिता। ऐसे और एक भी एक दिया है। और ये दोनों दिया रेडी है, हम दरवाजे के दोनों साइड में इसको रखेंगे। और यहाँ पे एक और रंगोली बन रहा है, इसको भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कंप्लीट होने के बाद। और ये देखिए ये रंगोली और ये दिया का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, सस्मिता ने बनाया है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये। और ये एक रंगोली अभी कंप्लीट किया है सस्मिता ने, रंगोली एक्सपर्ट। हैप्पी दिवाली। अब सस्मिता चक्री लगाने वाली है। मैं भी एक चक्री लगाने वाला हूँ अभी। हैप्पी दिवाली। अभी स्काई लैंटर्न जलाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो चलो भाई।
ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ହବ ପୁରା ଯାଉନି ହଁ ଏବେ ଟାଣିଲାନି ବୋଧେ ଛାଡ଼ିଆ ନାଇଁ 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 ଠେଲନି ଛାଡ଼ିଲାନି ପରା ସିଏ ଫେର ଆସିବ ତଳକୁ ଯିବ କୁଆଡେ ସିଏ ଏମିତି ଆକାଶ ଥୋଡ଼ିଆ तो इसको हम छोड़ने वाले हैं अभी स्काई लैंडिंग बाहर को आसो बाहर को आसो रास्ते को आसो छड़िया हां चल लो देखिए छड़ दिया जी को ठीक है जी को ए आसना तो राणा आसना यार यार ए ए ए आड़ी रोड में जाई छड़िया आड़ी रोड में जाई छड़िया जी को टाइम लागियो अब जाई सिटी लागियो हम तो ऊपर ऊपर टुके हम ना वाह हां देखो 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 बहुत ऊपर जा चुका है ये फाइनली सक्सेसफुल हुआ स्काई लैंडिंग बहुत ऊपर जा चुका बाय 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 बहुत तेजी से अभी ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से जा रहा है स्काई लैंडिंग अभी भी दिख रहा है हमें बहुत ऊपर जा चुका है बहुत ऊपर और बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया अब एक नया पटाखा जलाने वाली है सस्मिता इसका नाम है किटकैट मैं भी एक किटकैट ट्राई कर लेता हूँ किटकैट जल तो अच्छा रहा है लेकिन बहुत कम समय के लिए पटाखे हम जला चुके हैं और अभी रात हो चुका है 10 बजे और मैं अभी सेकंड फ्लोर में आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले ये देखिए ये लॉर्ड बुद्ध का एक स्टैचू जो है ये पहले से था लेकिन इसको थोड़ा सा इसके सामने कैंडल रख के लाइटिंग दे के कुछ सेटअप किया है आज और ये देखिए रूम में सस्मिता ने थोड़ा सा लाइटिंग किया है ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है अंधेरे में तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है तो अभी टाइम हो चुका है डिनर का चलिए देखते हैं डिनर में क्या है आज तो डिनर में आज हम खाने वाले हैं पूरी और उसके साथ मिट्टी के कढ़ाई में बना हुआ आलू और गोभी का करी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है तो डिनर रेडी हो चुका है चलो टेस्ट करते हैं तो चलो टेस्ट करते हैं बहुत अच्छा है और फाइनली हमारा दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है आई होप आप सब लोगों ने भी दिवाली बहुत ही एंजॉय किया होगा और अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलता हूँ अगली बार एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट एंड जय हिंद